पीपो ने ओली के लिए जो खाना बनाया था वो सारा ओली का फेवरेट था। और पीपो ने ये भी बताया कि मुझे तिशी सर ने कहा था कि मैं आपके लिए ये सारा खाना बनाऊं। तो ओली सोचता है कि उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता है, मुझे उस डेंजरस पर्सन से दूर रहना पड़ेगा। पीपो बोलता है कि मेरा मिशन तो मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन यूजर ने कोई रिव्यू क्यों नहीं दिया। दूसरी ओर तिशी अपनी फेवरेट पिंक मिल्क टी पीता हुआ कहीं पे जा रहा था और उसने देख लिया कि उसने ओली के लिए जो खाना बनवाया था वो उसने खा लिया है। लेकिन उसे अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है उसे कॉल करता है। तिशी पनिशर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसका फाउंडर है एक मोटा पर्सन। उसका नाम नहीं दिया गया है इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया है मोटू। जब उसे पता चला कि तिशी 4 घंटे में यहाँ पे वापस आने वाला है, उसे काफी ज्यादा चोटें लगी है और उसके अंदर के सारे पुर्जे टूट चुके हैं, तो उसे फिर से रिपेयर होने की जरूरत है। मोटू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया कि क्या वो खुद को कोई सुपर हीरो समझता है, वो इतना ज्यादा डैमेज होकर क्यों आता है, अब फिर से मुझे उसे रिपेयर करना पड़ेगा। वहाँ पे एक दूसरा पर्सन भी था, वो धीमी आवाज में बोलता है कि तिशी इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। इसका नाम है ही फेंग और ये भी तिशी की तरह एक हाफ रोबोट है। पनिशर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर एक सीक्रेट जगह पे है और वहाँ पे पहुँचने का रास्ता भी बहुत ही सीक्रेट है। तिशी उस रास्ते से हेडक्वार्टर पहुँचा तब वहाँ पे ही फेंग उसके सामने खड़ा था। तिशी को देखते ही वो उसके पास गया और उसका फेस पकड़ के कहता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पे चले गए थे। तिशी उसका कॉलर खींचता है और कहता है कि हाँ मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं अब से ऐसे ही मिशन करूंगा जो काफी देर के बाद खत्म हो, इसलिए मुझे ज्यादा यहाँ पे वापस ना आना पड़े। ही फेंग कहता है तुम जानबूझ के मुझे टॉर्चर कर रहे हो। तिशी उसे एक पंच लगा देता है कि हाँ मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ। ही फेंग भी उसे एक पंच लगाता है लेकिन उसी जगह पे जहाँ पे तिशी को चोट लगी थी। तभी मोटू उन दोनों को रोकने आ गया कि हे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, ही फेंग क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो। तो फिर ही फेंग रुक गया और तिशी उसके सामने ऐसा चेहरा दिखाता है कि देखा मैं जीत गया। फिर मोटू ने अपने 2 वर्कर रोबोट से कहा कि तिशी को उठाकर रिकवरी रूम में ले जाए, तो तिशी कहता है कि मोटे पापा इतना भी ज्यादा ड्रामा करना बंद कर दीजिए। मोटू गुस्से से कहता है कि मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, ये जरूरी है, तुम्हें कितनी ज्यादा चोटें लगी हुई है। और यहाँ पे ही फेंग सोचता है कि तिशी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। दूसरी ओर ओली एक मैसेज पढ़ रहा था जो तिशी उसके लिए छोड़ के गया था। उसमें लिखा था कि क्या तुम मेरे साथ अंधेरे में गिर सकते हो। ओली सोचता है कि क्या वो पर्सन भाग गया। तिशी की बॉडी अंदर से पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, तो फिर उसके अंदर के सारे पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। फिर अगले सीन में ओली फुकुरोमी हॉस्पिटल में था और वो ओवेन फेंग से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। ओली बस अपने बटरफ्लाई भैया को ढूंढना चाहता है, इसलिए ही वो अपने फादर ओवेन फेंग की मदद कर रहा है और उसकी मदद के बदले में वो अपने फादर की कंपनी में अथॉरिटी चाहता है। ओवेन फेंग कहता है कि तुम मेरे सगे बेटे हो, तो फिर तुम जो भी चाहोगे मैं वो तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। ओली ये करना तो नहीं चाहता लेकिन उसे अपने बटरफ्लाई भैया को ढूंढना है, इसलिए उसे अपने फादर को सहन करना पड़ेगा।